हेलो मेरे बच्चों, आज आपका हिंदी का सुलेख लिखने का दिन है, तो आइए लिखना शुरू करते हैं। बेटा आज हम लिखते हैं च, यानी कि च हम लिखकर देखते हैं कि च हम कैसे लिखेंगे। तो देखो बेटा हमने कैसे लिखना है। सबसे पहले हम लोग बेटा पीछे में से शुरू करेंगे, ठीक है। आ लाइन आगे बेटा, पीछे जाएंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे और इसी के बराबर तक यहाँ तक आ जाएंगे। इसके आगे फिर बेटा हमें सीधी लाइन लेनी है। आ गई बेटा, तो इसके ऊपर हमने लाइन लगानी है। आ गई बेटा, तो ये क्या बना बेटा च। अगर हम इसके साथ में ये एक लाइन लगा देते हैं यानी कि आ की मात्रा, तो क्या बन गया बेटा चा। क्या बना चा। फिर से देखो सीधी लाइन, वो लाइन के ऊपर दोबारा लाइन जाएगी, नीचे आएंगे, धीरे धीरे इसके बराबर आगे सीधी लाइन ली। अब बेटा हम आगे से लाइन लेंगे, तो ये हमारी इसको लगा देंगे बेटा। कौन सी मात्रा हमारी बेटा, छोटी की मात्रा। बेटा आपकी दोहराई हो रही है बेटा, बारह खड़ी वाली, यानी कि बारह खड़ी जो मात्राएं होती है ना उनकी दोहराई है चा ची। फिर से देखो सीधी लाइन वापस गए, धीरे धीरे बराबर ही आ गए सीधी लाइन। एक लाइन और बेटा आपकी मात्रा, अभी मात्रा थोड़ी आगे करें फिर पीछे जाएंगे बेटा, यानी कौन सी मात्रा बेटा, बड़ी की मात्रा ची। फिर से देखो सीधी लाइन, लाइन पर लाइन, नीचे आए ऊपर गए, सीधी लाइन आ गई बेटा। इस लाइन से नीचे ये हमने गोलाई की बेटा जो सी बना दिया, तो कौन सी मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा, तो क्या बना चु, चा ची ची चु। तो बेटा आपने ये दो लाइनें छोड़ के आपने यहाँ पे इसकी दोहराई करनी है, बनाकर देखनी है आपको। आगे बेटा हम दो व्यंजन बना रहे हैं, जो भी हमने व्यंजन नहीं बनाए। तो बेटा हम व्यंजन बना रहे हैं झ, झ कैसे बनेगा बेटा देखो। सीधी लाइन आएगी, छोटी सी लाइन आई बेटा, ये हमारी ये लाइन आ गई, यहाँ पे हमने सी बनाया, इसके बराबर लाइन आ गई। आ गई ये मोटाई में सी बनाया बेटा, इसको हमने नीचे निकाल देंगे। पतला सा कर्व लिया, सीधी लाइन इसके ऊपर लाइन, तो क्या बना बेटा ये झ। फिर से देखो छोटी लाइन, लाइन सी इसी के बराबर, मोटाई में सी आ गया, नीचे पतला कर्व सीधी लाइन झ। क्या बना बेटा ये झ। अब बना रहे हैं हम लोग स। स कैसे बनाएंगे, सीधी लाइन लेंगे, आधे से ज़्यादा बेटा गोल किया बेटा, कर्व किया छोड़ दिया, पतला सा कर्व सीधी लाइन स। फिर से देखो सीधी लाइन, पतला सा कर्व लिया छोड़ दिया सीधी लाइन, तो बेटा क्या बनाइए स। अब बेटा आपने इन लाइनों में बेटा आपने दोहराई करनी है। यहाँ पे बेटा एक हम ना कठिन शब्द लेते हैं जो हम लोग सीखेंगे बनाना भी, और उसकी सीखेंगे याद करेंगे और उसको बनाना देखेंगे कैसे बनता है। हम लोग बना रहे हैं बेटा म। आगे बेटा आधे से ज़्यादा चोंच वाला म। म कोई मात्रा छोटे ऊ की कैसे बनती है, गोल करके बेटा हमने ये सी बनाना होता है। मुँह सीधी लाइन बेटा स, जैसे सिखाया गया है गोल किया छोड़ दिया, पतला सा कर्व। आगे बेटा ब, जहाँ से शुरू किया वहीं ख़त्म किया बेटा। त, ये हमारी आ गई बेटा बिंदु। तो क्या लिखा बेटा आपने पढ़ के देखो, मुसीबतों। तो बेटा ये हमारा कठिन शब्द है, आपने यहाँ पे बना के देखिए, इसकी दोहराई कीजिए। धन्यवाद।